इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की बस से कुचलकर हुई मौत से आक्रोशित छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने के साथ ही मृत छात्र के परिजन को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने सड़क जाम करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज कराए गए प्राथमिकी को लेकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर महाविद्यालय में लूट खसोट का आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन की गलतियों का खामियाजा विद्यार्थी भुगत रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अपने साथी की मौत से आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम करके कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया था जिनके साथ पुलिस प्रशासन ने अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। पप्पू यादव ने मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की लड़ाई को एक अभिभावक की तरह लड़ने की बात कही है। बता दें कि विगत 2 मार्च को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनकट के पास अभियंत्रण कॉलेज का परीक्षा देकर कॉलेज बस से लौट रहा प्रथम वर्ष का बीटेक का छात्र अभिषेक रंजन बस से गिर गया, जिसके ऊपर से बस गुजर गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर दी, जिस जाम को किसी तरह जिला प्रशासन ने समाप्त कराया, लेकिन छात्रों ने उसी दिन संध्या समय NH 28 जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने बलपूर्वक हटाया और पुलिस कई छात्रों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। साथ ही 36 छात्रों के खिलाफ जिला प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज करा दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर जाप सुप्रीमो मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और छात्रों से घटना की जानकारी ली। एक दिन से नहीं चल रहा है, बहुत दिन चल रहा है और इसी स्ट्रेंथ में हमेशा चल रहा है। कई बार मांग भी किया गया कि इसको सही किया जाए, बढ़ाया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। क्या वजह है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये हुआ। मंदिर के पास क्यों आते हैं? इसमें दोषी कौन है? अगत उन दोनों को भी रोक करके बहुत मारपीट किया, 36 लोगों पर FIR लॉन्च किया कर दिया और 200 अज्ञात कर दिया बच्चों पर। उसके बाद यहाँ इंजीनियर ने देखा नहीं, उसके पूरी गाड़ी चढ़ा दी और चढ़ा करके वो बच्चा डेथ कर गया। तो जो सेमेस्टर के लड़के थे उसमें उन लोगों ने आप घटना घटी तो क्या करेंगे? क्या सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी कॉलेज जाकर के बच्चों से मिलने की नहीं है? क्या सही है कि नहीं माफिया प्राइवेट कॉलेज? अब हम जब कहेंगे यूक्रेन में क्यों जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए? क्या इस देश के PM और CM को कुछ पता ही नहीं है? गिरिराज को पता है कि सीरिया में 2008 में रिस्क्यू किए थे मोदी प्राइम मिनिस्टर। अब इतना बड़ा दोगला टाइप का आदमी, धूर्त टाइप का आदमी 2015-14 में नरेंद्र मोदी बना प्राइम मिनिस्टर है, 2008 में वो रिस्क्यू कर लिए। होम मिनिस्टर कहता है कि हम इंटर के बाद मैट्रिक कराएंगे। अब मोदी जी कहते हैं कि पहले हार्ड क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो, जो आबे उसको बाद में करना। पता चला हार्डे क्वेश्चन में हम 3 घंटा लग गया। इस कंट्री में सही क्या है एजुकेशन के मामले में? 40 लाख, 20 लाख से 40 लाख के बीच हम करते हैं लगभग मेडिकल, MBA और इंजीनियरिंग हम प्राइवेट कॉलेज से करते हैं लगभग 15 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के अंदर, 10 और 15 के बीच में हम करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं यूक्रेन, अब हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि दुनिया का सबसे महंगा एजुकेशन हिंदुस्तान में है और मेडिकल माफिया सबसे ज़्यादा है और एजुकेशन माफिया हिंदुस्तान में है। माफिया का तंत्र का जाल है हिंदुस्तान। विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश करके लाठी पटकना ये बिहार में ही संभव है, बिहार के बाहर संभव नहीं है, औकात भी नहीं है कि किसी कैंपस में चले जाए बच्चे। उसके लिए उसको कोर्ट से या उसको बड़ी परमिशन की जरूरत है। कोई बम बारूद तो यहाँ है नहीं, तो आप प्रिंसिपल को बर्खास्त करिए, 25 लाख रुपया मुआवजा, और केस को रिव्यू करिए और सारे बच्चे पर से केस उठाइए। हम मंत्री जी से भी अभी DIG साहब से बात किए हैं कि आप स्पेशली रिव्यू करिए, ये सही नहीं है। जो भी न्याय की जरूरत पड़ेगी मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए हर संभव पिता से बढ़ के करेंगे। हमें जानकारी मिली, हम आए।
एसपी से लेके मुख्यमंत्री तक ये बात अभी हम नॉलेज में देंगे और इस प्रिंसिपल के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई होगी, ये मैं स्पष्ट करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।